वेलकम टू माय चैनल। और आज हम इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑन इक्वेशन ऑफ ए लाइन को सोल्व करेंगे। ठीक है, अब न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके का हो सकता है कि इफ इफ का मतलब गिवन, ठीक है ना। तीन पॉइंट है जैसे ए बी सी आर कोलिनियर। सबसे पहले बस कोलिनियर का मतलब बताओ। कोलिनियर वर्ड का मतलब है सेम लाइन का केस हो सकता है या फिर पैरेलल लाइन का, ठीक है ना। दोनों केस पॉसिबल है कोलिनियर के केस में, ठीक है ना। जैसे मान लो कि सेम लाइन से समझना चाहते हो, चॉइस है यहाँ पर, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो एक लाइन है उसके ऊपर तीन पॉइंट मान लो कुछ इस तरीके से ए बी सी, समझने के हिसाब से ए बी सी, ठीक है ना। ए बी सी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और ये चीज है गिवन की ये कोलिनियर है, मतलब एक लाइन पर होंगे, सीधी सी बात। और मान लो कि इस पैरेलल लाइन का केस को कुछ इस तरीके से दो लाइन पैरेलल है, ठीक है ना। मान लो इस पर दो पॉइंट है जैसे ए और बी, और हो सकता है तीसरे पे सी हो, ठीक है ना। तो फिर क्या करो कि जो ए से बी का पार्ट है, मतलब अगर वेक्टर से कहो तो भी बात ठीक है। वेक्टर का मतलब डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ठीक है ना। वेक्टर का मतलब क्या था, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो सीधी सी बात इस तरीके से कह दो, डायरेक्ट कि ए से जो बी पार्ट उठा के इस लाइन पर रखा हुआ है, मतलब ए से बी पार्ट कहीं पर भी रखा हुआ है इस तरीके से, ठीक है ना। कोलिनियर दोनों ही केस पॉसिबल है, ठीक है। और साथ के साथ कोलिनियर वर्ड में ना डायरेक्शन से कोई मतलब, ठीक है ना। यहाँ पर डायरेक्शन के दो केस पॉसिबल है, मतलब सेम भी हो सकती है अपोजिट भी, ठीक है ना। और इस बात का मतलब सेम हो या फिर अपोजिट, ठीक है ना। कोलिनियर वर्ड को एक तरीके से और कह सकते हो, डायरेक्ट पैरेलल वेक्टर कह दो, पैरेलल वेक्टर, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि पैरेलल वेक्टर की डेफिनेशन सीखी थी हमने, जब ये तीनों ही बात आती है पैरेलल वेक्टर के में, डायरेक्शन सेम भी हो सकती है अपोजिट, मतलब एंगल है जो जीरो डिग्री का केस पॉसिबल था 180 डिग्री का, ठीक है। इसी तरीके सेम लाइन हो सकती है पैरेलल लाइन, सही बात है। जैसे वेक्टर है उसके तीन, मतलब तीन वर्ड है, सही बात। वेक्टर का ही दूसरा नाम है इस तरीके से वेक्टर लाइन सेगमेंट, तीन वर्ड है, तीनों का नाम मतलब था डायरेक्टेड का डायरेक्शन, ये रही। लाइन का मतलब क्या था, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और सेगमेंट का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। बस पैरेलल की कंडीशन है यहाँ पर, ठीक है ना, एक दूसरे पैरेलल होने चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, वो सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी, सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी, सेम बात कोलिनियर के केस में। इस तरीके वेक्टर के हिसाब से कहना चाहते हो पैरेलल वेक्टर कह दो डायरेक्ट ही, ठीक है ना। तो अब चॉइस है यहाँ पर वेक्टर वाला कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो या फिर किस तरीके से कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन का कंसेप्ट यूज करना चाहो, चॉइस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने लेमडा ही वैल्यू निकालनी, मतलब यहाँ पर है लेमडा, ये वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर ये थोड़ी लिखा हुआ कहीं पर भी कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन का कंसेप्ट से मतलब इस न्यूमेरिकल को सोल्व करो, ठीक है ना। चॉइस है, तो मतलब पैरेलल अगर वेक्टर के कंसेप्ट से सोल्व करोगे तो फिर क्या करना है कि सीधी सी बात इस तरीके से कि दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो तब क्या होगा, ए बी वेक्टर एम इंटू इस तरीके से बी से सी, कुछ इस तरीके से दो वेक्टर पैरेलल हो, ठीक है ना, टू वेक्टर्स आर पैरेलल, ठीक है। तो कंडीशन क्या थी यहाँ पर, सीधी सी बात है वो एक दूसरे के मल्टीपल होंगे, दोनों वेक्टर, दो वेक्टर एक दूसरे के मल्टीपल हो जाएंगे। चॉइस यहाँ पर कोई भी केस बना लो, सीधी सी बात है ए से बी मल्टीपल है बी से सी के। चॉइस यहाँ पर कोई भी दो वेक्टर लो, ठीक है ना, मतलब कोई भी दो पॉइंट मान लो, जैसे ए से सी मानना चाहते हो, मल्टीपल शो करना चाहते हो बी से सी के, चॉइस यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर एक कमी होगी, ठीक है ना, एक कंडीशन की कमी है, पता है क्या, वो है ये m, ठीक है ना। m एक अलग यहाँ पर मल्टीपल होगा, मतलब एक अलग वेरिएबल भी कह सकते हो, अलग स्केलर कह सकते हो, अगर दो वेक्टर मल्टीपल हो तब हम जैसे लेमडा लिखते हैं, सही बात है। लेकिन यहाँ पर पहले से लेमडा वैल्यू गिवन है, इस वजह से m लिखा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर वेक्टर का कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो, फिर यहाँ पर अप्लाई भी नहीं कर पाओगे, हमें थोड़ी पता है कि किस तरीके से मल्टीपल है, ठीक है ना। इस बात का ये मतलब, जैसे या फिर इस तरीके से कह सकते हो कि सारी मतलब डिस्टेंस निकाल लो, ठीक है ना। तो इस बात का मतलब मान लो कि अगर वेक्टर के कंसेप्ट से सोल्व करना चाहते हो, ठीक है ना, फिर क्या होगा, जैसे ए बी वेक्टर निकाल लिया, ए बी वेक्टर निकाल लिया, ठीक है ना, किसके बराबर होगा, यहां पर मैग्नीट्यूड से मतलब है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर कमी पता क्या होगी, अगर मान लो यहां पर इस तरीके से सारी लेंथ निकाल ली, ए से बी, ए से बी क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला, सही बात है ना। ए से बी मतलब दो पॉइंट बीच का डिस्टेंस, और वो निकलता है डिस्टेंस फॉर्मूला से, डिस्टेंस फॉर्मूला से, सही बात है। मतलब यहां पर मान लो मैग्नीट्यूड निकालना भी, ठीक है, लेकिन उस चीज का भी कोई यूज नहीं होगा। क्यों नहीं यूज होगा, पता है क्यों, क्योंकि यहां पर जो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट है सीधी सी बात है स्पेस के अंदर, स्पेस के अंदर, और हम डायरेक्ट नहीं कह सकते कि मतलब कौन सा पॉइंट दूर होगा। अब ये तो सिर्फ एक चॉइस थी ना कि ए बी सी मतलब कुछ इस तरीके से पॉसिबल होंगे, जरूरी थोड़ी ना हो सकता है ए बीच में हो, सही बात है ना, इस तरीके से। तो इस वजह से, ठीक है ना, तो इस वजह से इस न्यूमेरिकल को हम वेक्टर कंसेप्ट से सोल्व नहीं कर सकते। हाँ, कभी मान लो कि इस तरीके से होते कि पॉइंट होता मान लो यहाँ पर प्लेन का, प्लेन का मतलब पॉइंट ऑन प्लेन किस तरीके से, एक्स कोमा वाई, या फिर टू डायमेंशन कह दो,
सही बात है ना। फिर वहां पर मतलब हम फिर भी एक अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब कौन सा पॉइंट कहाँ पर होगा। सही बात है, इस वजह से, ठीक है ना। तो इस वजह से इस टाइप के न्यूमेरिकल जब भी स्पेस की बात आ जाए तो सीधी सी बात है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन कहाँ पर, थ्री डायमेंशन, इस तरीके से, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन इन थ्री डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी क्योंकि यहां पर मैग्नीट्यूड निकालने का कोई फायदा नहीं होगा इस वजह से, ठीक है ना। और मान लो कभी कंडीशन गिवन हो, ठीक है ना, मतलब ये जो वेक्टर का कंसेप्ट है ना अप्लाई कब कर सकते हो ये चीज भी तो पता हो। कंडीशन गिवन पता है किस तरीके से, मतलब इस तरीके से ज्योमेट्री गिवन हो कि ए पॉइंट है ना उनके बीच में है, और मतलब इस या फिर बी पॉइंट बीच में है, बीच का मतलब उन दो पॉइंटों बीच में, ये नहीं है कि मिड पॉइंट है, वो कंडीशन हो भी सकती है, ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ पर वेक्टर कंसेप्ट हम अप्लाई नहीं कर सकते, इक्वेशन ऑफ ए लाइन का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो फिर क्या करो, दो पॉइंट हैं, तीन पॉइंट दिए हुए हैं, कोई भी दो पॉइंट उठा लो और दो पॉइंटों से यहाँ पर इक्वेशन लिख दो। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन लिख सकते हैं हम, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, खास बात, जो पासिंग थ्रू, ठीक है ना, कोई भी दो पॉइंट उठा लो, चॉइस है। जैसे हमने यहाँ पर लेमडा निकालना, मतलब सी में कुछ रिजल्ट निकालना सी पॉइंट में, तो क्या करो, ए और बी का यूज कर लो, ठीक है ना, पासिंग थ्रू ए एंड बी, ठीक है। दो पॉइंटों से पास आउट मतलब टू पॉइंट फॉर्म अप्लाई कर लो, इक्वेशन ऑफ ए लाइन टू पॉइंट फॉर्म, और किस तरीके से रिजल्ट था, इस तरीके से, आर वेक्टर किसके बराबर था, ए वेक्टर, ठीक है ना, प्लस लेमडा इन टू, यहां पर डायरेक्शन कहां से आएगी, इन दो पॉइंटों के डिफरेंस से, डायरेक्शन का मतलब डायरेक्शन रेशियो से। तो यहां पर इस तरीके से बी माइनस ए, बी माइनस ए, ठीक है ना। और यहां पर भी चॉइस है कि यहां पर बी माइनस ए अप्लाई करना चाहते हो या फिर ए माइनस बी, ठीक है। इसके बाद यहां पर भी चॉइस है कि ए वेक्टर यूज करना चाहो या फिर बी वेक्टर, लेकिन जनरली हम टू पॉइंट फॉर्म इस तरीके से लिखते हैं, इस वजह से वो एक अलग बात है। अगर यहां पर ए माइनस बी लिखा भी, ठीक है ना, फिर जो माइनस इन दो चीजों में किस चीज का डिफरेंस है, माइनस है, वो कहां पर एडजस्ट होगा, इस लेमडा मतलब स्केलर के अंदर, सीधी सी बात है, ठीक है। तो अब जैसे ए पॉइंट है गिवन किस तरीके से, माइन जो भी यहाँ पर वैल्यू गिवन है, कोऑर्डिनेट गिवन है, ठीक है ना। बी पॉइंट है यहाँ पर -4, 2 और -2, और सी पॉइंट है 5, 5, लेमडा, लेमडा ही वैल्यू निकालनी, कब, कोलिनियर के केस में। तो क्या करो, सबसे पहले ए और बी से इक्वेशन लिख लो, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ ए लाइन जो पास आउट हो रही है ए एंड बी से, ए एंड बी से, ठीक है। तो किसके बराबर हो जाएगी, आर वेक्टर, ठीक है ना। तो जैसे लेफ्ट हैंड साइड में आर वेक्टर और ए वेक्टर किसी पॉइंट से, ए पॉइंट से ए वेक्टर मान लो, ठीक है ना। तो ये बातें मतलब सॉल्यूशन जब सोल्व करेंगे इस न्यूमेरिकल को तो ये बात लिखनी पड़ेगी, ए पॉइंट से हमने ए वेक्टर माना है, बी पॉइंट से बी वेक्टर, ठीक है ना। तो आर वेक्टर ए वेक्टर क्या हो जाएगी, किसी पॉइंट से वेक्टर लिखने का क्या तरीका था, ये तो सिर्फ नंबर है, सीधी बात, इस कोऑर्डिनेट नंबर है या फिर डिस्टेंस का हो गया दोनों साइड, ठीक है ना, नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड, एज इट इज लिखे, इनके मल्टीप्लाई कर दो, रिस्पेक्टिव मल्टीप्लाई आई कैप जे कैप और के कैप के साथ तीनों को ऐड कर दो। सही बात है, ए वेक्टर आ गया, प्लस का साइन, ठीक है। अब लैम्डा पहले से यूज हो रहा है तो एक यहां पर लैम्डा की जगह एम यूज कर लेना, ठीक है ना। और साथ में यहां पर बी माइनस ए, साथ में क्या, बी माइनस ए, ठीक है ना। लेकिन यहां पर भी एक कंडीशन की कमी है, अब जैसे यहां पर बी माइनस ए भी निकाल सकते हो, सही बात है, ठीक है, लेकिन यहां पर एम निकालने का कोई फायदा नहीं, एम एम तो निकलेगा भी नहीं, एम तो स्केलर था ना और लैम्डा से अलग है, सही बात है। तो यहां पर ये थोड़ी ना कि हम एम की वैल्यू अपनी तरफ से लिख सकते हैं, बी माइनस ए तो निकाल सकते हो, दो वैक्टर का डिफरेंस, दो वैक्टर का डिफरेंस करके एक नया वैक्टर आएगा, सही बात है ना। और उसके बाद कोलिनियर की कंडीशन मतलब तीसरा पॉइंट, जैसे हमें ये पता है कि कोलिनियर है मतलब एक ही लाइन पर है, सही बात है ना, एक ही लाइन पर, और इस कौन सी यहां पर अप्लाई कर रहे हैं कंडीशन की, किसी लाइन पर पॉइंट होने का मतलब क्या था, उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इसलिए इक्वेशन लिख रहे हैं, सही बात है। लेकिन इक्वेशन में आएगा एक नया वेरिएबल एम, एक नया वेरिएबल, हमें थोड़ी नहीं पता कि क्या मल्टीपल होंगे, सही बात है ना, इस वजह से। तो मतलब ये एम फिर से यहां पर आंसर नहीं आने देगा, सही बात है, न्यूमेरिकल फिर भी थोड़ी सोल्व होगा कि मतलब एम में रिजल्ट आ गया, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो इस वजह से इक्वेशन ऑफ ए लाइन का कंसेप्ट भी लगेगा, यहां पर दो पॉइंटों से पास आउट होगा, इतनी बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पर अप्लाई होगी कार्टेशियन इक्वेशन, ये चीज सीखने की है, ठीक है ना। जिस जिस कंडीशन की कमी हो, सीधी सी बात है, तो वो कंडीशन छोड़ दो, वेक्टर फॉर्म क्यों नहीं यूज की, क्योंकि यहां पर हमें नहीं पता किस तरीके से मल्टीपल है, ठीक है ना, इस वजह से कार्टेशियन इक्वेशन का यूज कर लो, ठीक है ना। और कार्टेशियन इक्वेशन किस तरीके से थी, x माइनस एक्स वन, नीचे x2 माइनस एक्स वन, फिर y माइनस वाई वन, ठीक है, और नीचे y2 माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, नीचे z2 माइनस जेड वन, इस तरीके से, ठीक है ना, और किसी लैम्डा के बराबर बराबर होंगी, ठीक है। लेकिन यहां पर जब कार्टेशियन इक्वेशन की बात करो, सिर्फ इतना रिजल्ट यूज होता है, ये लैम्डा वाली बात कब यूज होती है, जब एनी पॉइंट निकालना हो, ठीक है ना, एनी पॉइंट ऑनलाइन जब यूज होता है लैम्डा,
अदरवाइज ये रिजल्ट है। फिर क्या करो, अभी यहां पर ए और बी है, दो पॉइंट है, ठीक है ना, सी निकालना है, तो क्या करो ए और बी पॉइंट के लिए यहां पर अप्लाई कर लो रिजल्ट। तो इसको चॉइस है, इसको एक्स वन वाई वन जेड वन मान रहे हो, ठीक है ना, या फिर दूसरे वाले को, और दूसरे को मान लो एक्स टू वाई टू जेड टू बी पॉइंट को, कुछ इस तरीके से, ठीक है, बस कंपेयर करना है। तो रिजल्ट किसके बराबर आ जाएगा, यहां पर एक्स माइनस, ठीक है ना, जो ये आर वेक्टर बना था पी पॉइंट से, जब पॉइंट निकालना हो एक्स वाई जेड, सही बात है, मतलब यहां पर पॉइंट के लिए, सही बात है ना, तो एक्स वाई जेड पता भी होना चाहिए, पी पॉइंट थे जब हमने कंसेप्ट सीखा था, ठीक है ना। तो x माइनस एक्स वन, जैसे यहां पर माइनस वन है, माइनस फॉर्मूले की वजह से और माइनस वन है तो प्लस वन, कैलकुलेशन है x2 कितना माइनस फोर में से माइनस वन माइनस करो, मतलब माइनस फोर में से, यू फॉर्मूले की वजह से और यहां पर फिर से माइनस वन तो प्लस वन, कैलकुलेशन है y माइनस वाई वन तो कितना थ्री, ठीक है, और y2 टू है, टू में से थ्री माइनस कर दो, और फिर z माइनस जेड वन कितना माइनस टू तो प्लस टू हो जाएगा, ठीक है, जेड जेड वन है टू, सिर्फ टू है, ठीक है ना, और नीचे जेड वन जेड टू कितना माइनस टू में से जेड वन माइनस कर दो, कैलकुलेशन है जो भी रिजल्ट आए, ठीक है ना। तो अब इक्वेशन ऑफ ए लाइन आ गई किसकी, जो ए और बी से पास आउट हो रही है, ठीक है, और गिवन कंडीशन क्या कि जो तीन पॉइंट है ये कोलिनियर है, ठीक है ना, ए बी सी आर कोलिनियर, ये चीज गिवन है, ठीक है ना। तो इस बात का मतलब यहां से क्या लिख सकते हैं हम कि सी पॉइंट इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, सही बात है ना, इस इक्वेशन को, मतलब इक्वेशन वन को सेटिस्फाई करेगा, इस तरीके से लिख सकते हैं, सही बात है। तो मतलब पॉइंट फाइव फाइव लेमडा, मतलब ये पी पॉइंट दे दिया एक तरीके से, ठीक है, मतलब एक्स वाई जेड की जगह ये वैल्यू रख दो, फाइव कोमा लेमडा, ठीक है ना, एक्स की जगह रखो फाइव, ठीक है, और नीचे जैसे माइनस फोर प्लस वन कैलकुलेशन है, वाई की जगह फाइव रखो, फाइव माइनस थ्री और नीचे माइनस वन, ठीक है, और यहां पर जेड की जगह पुट करना पड़ेगा लेमडा में से, ठीक है ना, टू माइनस करो नीचे माइनस फोर है, ठीक है ना। अब इसके बाद कैलकुलेशन है, यहां पर तीनों जगह ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस कैंसिल हो जाएगा, पता है क्यों हुए, क्योंकि इस तरीके से कि डायरेक्शन रेशो में सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, सही बात है। और मतलब जो भी इक्वेशन में नीचे वाले तो इस तरीके से पढ़ो इनको, ए बी सी, ये ए लिखा, ये बी लिखा, सी लिखा, जब कब थी ए बी सी, जब एक पॉइंट गिवन हो, सही बात है ना, डायरेक्शन रेशो ही जब जरूरत पड़ी थी, लेकिन यहां पर दो पॉइंटों से डायरेक्शन रेशो है क्या, डिस्टेंस, सही बात है, और वो पॉजिटिव साइड भी हो सकता है, नेगेटिव साइड भी, और एक बात हमें पता होती है, डिस्टेंस दो पॉइंटों के बीच में निकलेगा, वही चीज, तो दो पॉइंटों में, और दो पॉइंटों में डिफरेंस करना होता है, इस वजह से। तो कैलकुलेशन है, कहने का ये मतलब है, कोई भी दो फैक्टरों को यहां पर, ठीक है ना, कंपेयर कर लो, या फिर फर्स्ट को और थर्ड को कर लो, लैम्डा रिजल्ट बराबर आएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद तो कैलकुलेशन बचेगी, ठीक है ना, बस यहां पर सीखने की चीज क्या है कि कौन सी इक्वेशन का यूज होगा, बस ये बातें पता होनी चाहिए मैं कि यहां पर ये कंसेप्ट सही है कि दो पॉइंटों का तो यूज होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन दो पॉइंटों से लिख ली और तीसरा उस पर कोलिनियर गिवन है उस पर होगा तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, कहां से, ये बात याद रखो कि किसी भी लाइन पर या फिर किसी भी कर्व पर, एक्चुअल में कर्व के लिए होती है बात, ठीक है ना, कर्व पर कुछ कंडीशन अप्लाई करते तब आती है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो किसी लाइन पर पॉइंट होने का मतलब था उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस वजह से, सही बात है। और यहां पर वेक्टर वाला कंसेप्ट पता है क्यों नहीं लगा, एक केस लेके चलो, जैसे एक एग्जांपल लेके चलो, मान लो कि इक्वेशन है, जैसे मान लो यहीं पर पॉइंट माइनस वन थ्री होता, मतलब जो ये पॉइंट स्पेस के अंदर, ये प्लेन के अंदर होते हैं, सिर्फ लेट कर रहे हैं, ठीक है ना, मान लो कि ए पॉइंट कुछ इस तरीके से, मतलब लास्ट के दो वैल्यू सिलेक्ट कर लो समझ देने के हिसाब से, ठीक है ना, बी पॉइंट मान लो कि इस तरीके से लास्ट के टू वैल्यू, और सी यहां पर फाइव कोमा लेमडा, ठीक है ना, मतलब लेमडा निकालना था, उस केस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन यहां पर एक और बात, ये पॉइंट हम सिलेक्ट नहीं कर सकते, पता है क्यों, क्योंकि बात हो रही है स्ट्रेट लाइन की, अब हमें थोड़ी ना पता है कि ये मतलब पॉइंटों को जब मिलाओगे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, सही बात है ना, मतलब इस तरीके सोच लो कि एक इक्वेशन ऑफ लाइन है जो स्ट्रेट लाइन है इस तरीके से, ठीक है ना, और मतलब तीन पॉइंट है जैसे एबीसी का केस था, सही बात है। अब हमें जब इस तरीके से वैल्यू बताऊंगी, कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि किस तरीके से कि चलो समझने के लिए ऊपर y है, ठीक है ना, यहां पर x एक्सिस लेफ्ट में माइनस x, नीचे माइनस y, ठीक है ना, मान लो यहां पर जो पॉइंट है ना, जैसे इसको ए पॉइंट कह रहे हो, यहां पर x नेगेटिव होगा, तो मान लो कि ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है माइनस वन कोमा y की वैल्यू वन, मान लो समझने के हिसाब से, ठीक है ना, मतलब यहां पर माइनस वन है और यहां पर वन, तो इस पॉइंट की बात हो रही है, ठीक है ना, इस तरीके से समझ लो, ठीक है ना।
तो इसी तरीके से हम फिर दूसरे पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट, मतलब इस तरीके से कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है ना। फिर इस तरीके से तीन पॉइंट होंगे, तो वहां पर हमें जैसे इसको बी मान लो, सी मान लो, फिर वहां पर हमें ये पता होगा कि कौन सा पॉइंट बीच में, कौन सा पॉइंट बीच में, ठीक है ना। तो उसके बाद एक कंडीशन यूज कर सकते हो, पता है कौन सी कंडीशन, कौन सी, जो ये जो ए से सी का पार्ट है ना, ए से सी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए से सी को टोटल को क्या लिख सकते हैं, ए से बी में जोड़ दो बी से सी, इस तरीके से, सही बात है ना। ए से सी टोटल है किसके बराबर हो जाए, ए से बी प्लस बी से सी, सही बात है। और ए से सी मतलब जैसे यहां पर इस तरीके समझ लो ना कि सी पॉइंट के कुछ कोऑर्डिनेटर नीचे वाई नेगेटिव, जैसे मान लो समझने के लिए माइनस टू और लेमडा, और लेमडा की वैल्यू निकालनी है, फिर हम ए से बी भी निकाल सकते हैं, दो पॉइंट होगा डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर लो, सही बात है। ए से सी, सही बात है, ए से सी भी निकाल लेंगे, बी से सी भी, और सिर्फ एक वेरिएबल आएगा, सिर्फ लैम्डा वेरिएबल आएगा एक इक्वेशन में, इस पूरी इक्वेशन में, मतलब ए से सी का मैग्नीट्यूड रखो इन दोनों मैग्नीट्यूड के बराबर और दोनों को कर दो यहां पर ऐड राइट हैंड साइड में, ठीक है ना, और सिर्फ एक वेरिएबल नजर आ जाएगा और लैम्डा, ठीक है ना। तो वहां से कैलकुलेट करके लैम्डा रिजल्ट निकल सकता है, ठीक है ना, कब भाई, ये टू डायमेंशन में। लेकिन थ्री डायमेंशन की बात करो, मतलब स्पेस की, हमें नहीं पता ये पॉइंट किस तरीके से होंगे, जैसे ज्योमेट्री पर अब जेड एक्सिस इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्चुअल में परपेंडिकुलर होती है, इस वजह से हमें थोड़ी नहीं पता है कि इनमें से तीन पॉइंटों में से कौन सा बीच में होगा, इस वजह से ना लैम्डा की वैल्यू पता, ठीक है ना। और यहाँ पर एक और बात है, ये मतलब लैम्डा की वैल्यू समझने के हिसाब से, ठीक है ना, ये चीज कब अप्लाई कर सकते हो, ये चीज अप्लाई जब कर सकते हो, मतलब यहाँ पर देख, यहाँ पर वाई पर मतलब रखो, ठीक है ना, जैसे वाई का रिजल्ट नीचे नेगेटिव, सही बात है, वाई का रिजल्ट यहाँ पर था प्लस का वन, यहाँ पर भी वाई प्लस की होगी, तभी अप्लाई कर सकते हो, ये बात भी, ठीक है ना। इस बात का मतलब जैसे मान लो कि एक इक्वेशन ऑफलाइन सिर्फ इसी क्वाड्रेंट में हो, इसी क्वाड्रेंट में हो, सही बात है। अब हमें थोड़ी पता, मतलब जैसे यहाँ पर वाई पर कितना डिस्टेंस है लैम्डा का, तो ये मतलब वही निकालना है। अब हमें थोड़ी पता है कि वैल्यू इसकी, जैसे ये समझने के हिसाब से एक पॉइंट यहां पर, एक पॉइंट यहां पर है, ठीक है ना। मतलब जब एक ही क्वाड्रेंट हो, ये इसकी एक लिमिटेशन कह सकते हो, ठीक है ना, इस चीज के लिए भी एक लिमिटेशन होगी, ठीक है ना। और या फिर मतलब यहां पर इस टाइप की इक्वेशन होगी, फिर भी अंदाजा अप्लाई कर सकते हो, मतलब जो एक्स की वैल्यू है समझने के हिसाब से, जैसे एक्स की वैल्यू है वो चेंज हो रही है, उस हिसाब से भी एक अंदाजा लगा सकते हो जब एक क्वाड्रेंट का हो। लेकिन एक कंडीशन हो, तो मान लो कि इस तरीके से कोई पैरेलल का केस हो, ठीक है ना, पैरेलल का केस हो, वाई की वैल्यू बराबर हो, इस तरीके से, फिर थोड़ी ना पता चलेगा हमें, ठीक है ना। मतलब जब ये पैरेलल की कंडीशन आ जाएगी ना किसी इक्वेशन की, किसके, या तो एक्स के हो या फिर वाई के परपेंडिकुलर हो, y के परपेंडिकुलर है, x के पैरेलल है, ये बात दिख रही है यहां से, ठीक है ना। तो फिर इस टाइप के केस में ये कंडीशन भी फेल हो जाती है। बस पता होना चाहिए क्या चीज गिवन है और किस तरीके से हम उसका यूज कर सकते हैं बेटर तरीके से, ठीक है ना। इस यहां पर ये कंसेप्ट क्यों नहीं अप्लाई हुई वेक्टर फॉर्म, क्योंकि एक नया वेरिएबल आ रहा था और पहले से एक लैम्डा था, तो एक इक्वेशन में दो वेरिएबल आ गए। और ये बात क्यों नहीं सोल्व हुई, क्योंकि एक बात सीखी थी हमने कि किसी भी इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, ठीक है ना, जितने उसमें वेरिएबल हो उतने इक्वेशन होनी चाहिए, सही बात है ना, ठीक है। इस वजह से और आगे सिर्फ कैलकुलेशन रहेगी, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।